एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि मैं अभी कुछ हॉस्पिटल्स में गया सडन इंस्पेक्शन, औचक निरीक्षण करने के लिए। एक हॉस्पिटल में व्यवस्था ठीक थी, एक हॉस्पिटल में ज्यादा खराब थी। लेकिन जो ज्यादा मुझे तकलीफ हुई वो इस बात की हुई कि हम इतनी अच्छी अच्छी स्कीम बना रहे हैं। जैसे आप सब लोगों को पता है, हमने स्कीम बनाई कि अब अगर दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में किसी का अगर टेस्ट, आप जाते हो, आप डॉक्टर को दिखाते हो, डॉक्टर कहता है जी एमआरआई कराना पड़ेगा। अगर डॉक्टर उसी टाइम अस्पताल में एमआरआई नहीं कराता तो आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके एमआरआई करा सकते हैं। डॉक्टर एक फॉर्म भर के देगा और आपकी सारी पेमेंट दिल्ली सरकार करेगी। ये हमने स्कीम बनाई। हमने ये भी स्कीम बनाई कि अगर डॉक्टर कहता है ऑपरेशन करना पड़ेगा और 30 दिन में आपका ऑपरेशन नहीं होता तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल से ऑपरेशन करा लीजिए, डॉक्टर एक फॉर्म भर के देगा और आपका पेमेंट सारा दिल्ली सरकार करेगी। ये भी स्कीम बनाई। लेकिन मैं हॉस्पिटल में गया इंस्पेक्शन करने के लिए, वहां किसी को नहीं पता इस स्कीम का, ना पेशेंट्स को पता ना डॉक्टर्स को पता। वो स्कीम इंप्लीमेंट हो ही नहीं रही। तो मुझे लगा इतनी बड़ी स्कीम, उसका कोशिश तो की हमने प्रचार करने की लेकिन जनता तक नहीं पहुंची। वो इंप्लीमेंट, उसका फायदा मिल ही नहीं रहा जनता को। इस काम को सरकार भी करेगी। अब हम बना रहे हैं, सारे अस्पतालों में बोर्ड लगवा रहे हैं इसका, ताकि प्रचार हो सके। सारे मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स को बोल रहे हैं भाई अपने डॉक्टरों को तो बताओ। लेकिन साथ साथ इसमें आपको भी लगना पड़ेगा। आपको भी अपने अपने जितने वॉलंटियर्स आप सुन रहे हैं, अपने अपने बूथ पे, अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे, घर घर जाके लोगों को इसके बारे में बताना पड़ेगा। और ये बड़े पुण्य का काम है। आपने अगर किसी बीमार आदमी का, गरीब बीमार आदमी का किसी अस्पताल में लेके इलाज करा दिया, बहुत पुण्य का काम है। अगर आपने किसी गरीब के बच्चे का एडमिशन करा दिया, बहुत पुण्य का काम। किसी गरीब के बच्चे को पढ़ा दिया, बहुत पुण्य का काम। तो ये जितने काम दिल्ली सरकार कर रही है ये सारे पुण्य के काम है। आप सब लोग लग जाओ और ये राजनीति से ऊपर उठ के